अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही छोटा मिनी व्लॉग है क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। सैटरडे दोपहर को 2-2:30 बजे मैं निकली थी क्योंकि कुछ ओनर्स ने कहा था कि आप आ जाएँ तो मैं आपको दिखा दूँगा। लोकेशन भेज दिए थे क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक की थी। अब जब मैं ऑनलाइन लोकेशन फॉलो करने लगी तो वो बहुत दूर था, बहुत दूर था, पूरा विलेज एरिया आ गया था, गांव के जैसा लग रहा था। और वहाँ पे मतलब कौन सा रास्ता से मैं जाऊँगी क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ इस एरिया में, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। BTM आप कोई भी गली, कोई भी क्रॉस, कोई भी मेन होता है तो मैं बिल्कुल आराम से मैं चली जाती क्योंकि मैं माशाल्लाह वहाँ पर बहुत साल थी। ये एरिया मुझे बिल्कुल नया लगता है और बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग लगता है। खैर, चलते चलते मैं जितना दूर निकली वो ओनर ने बोला 3rd फ्लोर पे 15,000 1 BHK। तो मैंने बोला कि आप फ़ोन पे यही बोल देते तो फिर मैं इतना दूर चल के नहीं आती। दूसरे ओनर को कॉल की तो उन्होंने कहा कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी तो हम नहीं दे सकेंगे, आप अगले महीने आइए। तो जैसे वहाँ से चलते चलते मैं उल्टा तरफ से वापस आई ये सोचकर कि अगर ये एरिया आई हूँ तो मतलब उसी एरिया में थोड़ा घूम लेती हूँ अगर वहाँ पे मिल जाता है तो। लेकिन वैसे कुछ भी नहीं था और ज़्यादातर मतलब जैसे मेरा पहनावा देखते हैं या मैं अगर टॉयलेट बोर्ड में कहीं पे दिख जाता है तो वो मना कर देते। जैसे ये घर में जब जा रही थी, यहाँ पर आगे जब जा रही थी तो उन्होंने मुझे देखा तो इसके उल्टे तरफ एक घर खाली था तो मैंने उनसे पूछा कि रेंट टॉयलेट वाला फ्लैट अवेलेबल है, तो वो कुछ नहीं बोले, आगे दिखा दिए। अल्लाह पाक जैसे अपना घर दिए है ना तो वो इतना सुकून से रहते हैं, ऐसे ही सुकून से झूलते हैं। ये लाइन पूरा देखिए, कहीं पे भी नहीं है। अल्लाह, ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड है पता नहीं। फुल, हाँ फुल है उधर का तो, हाँ उधर। संडे दोपहर में ज़्यादा देर तक के लिए नहीं निकली थी, 1:30 बजे निकली, 3:30-4 बजे घर वापस आ गई। उन ओनर्स के घर देखने गई थी जो बोले थे कि आप 1-2 दिन बाद आइए फिर हम आपको दिखा देंगे, लेकिन कल भी उनके पास कीली नहीं था। और एक तो दिखाएं था वो घर, लेकिन जैसे मैं चाह रही हूँ ना कि मत थोड़ा सा सेफ्टी हो बच्चे के लिए, अगर हर लेन में यहाँ पे इतने सारे कुत्ते होते हैं तो मैं इंशाल्लाह कोशिश ये कर रही हूँ कि बच्चों को सेफ्टी के लिए मुझे ग्राउंड फ्लोर मिल जाए और नहीं तो 1st फ्लोर मिल जाए, बस यही मेरी कोशिश है। और चलते चलते कुछ बच्चे यहाँ पे मिल गए थे तो उनसे भी पूछी तो बोले कि यहाँ आगे टॉयलेट बोर्ड है लेकिन वो घर बंद पड़ा हुआ था। खैर, मैं वापस आ गई, बस हमारे लिए दुआ करें और ज़्यादातर जुम्मी के लिए दुआ करें, उसका तबीयत ठीक हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, अपना खूब ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।